नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बहुत स्वागत करता हूं और एक नई खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि हमारा आदित्य L1 जो है वो अब तक और किस तरह से सफर कर रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने बने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, तमाम वीडियोस के लिंक और उनके टाइटल्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आपको हमारे पुराने बने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्या टॉपिक है इस पर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया है। 2 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन था जब हमने आदित्य L1 को जो है वो भेज दिया दोस्तों, और अब ये सूर्य के पास पहुंचने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसको यानी कि आदित्य L1 को एक बिंदु क्रॉस करने में जो है दोस्तों वो कितना समय लगेगा? तो क्या आपको पता है कि जो हमारा आदित्य L1 है इसको एक बिंदु पार करने में कितने दिन लगेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, 126 दिन दोस्तों हमारे आदित्य L1 को एक बिंदु यानी कि एक जो परिधि आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं इसको पूरा करने में लगेंगे 126 दिन। और ये पूरा जो अभियान है दोस्तों वो अनुमानित एक जो संख्या है वो 148 से 140 है दोस्तों। तो इतने दिनों का ये आदित्य L1 का मिशन है। तो साथ ही साथ मैं आपको जो आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, उसमें ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो आदित्य L1 मिशन को जिसने हम लोगों ने लॉन्च किया यानी कि इसरो ने लॉन्च किया, तो वो दोस्तों सूर्य की जो बाहरी परत है यानी कोरोना जिसका नाम है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है आपको ये भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस कोरोना तक पहुंचने में दोस्तों अनुमानित एक जो डेट है जैसा कि मैंने पहले कहा 148-140 के दिन के आसपास है। लेकिन दोस्तों, एक बिंदु को आदित्य L1 जो हमारा ये सैटेलाइट है इस रॉकेट को उस पूरे परिधि को कंप्लीट करने के लिए लगभग 124 से 126 दिन का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, यही जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि दोस्तों आखिर इतना समय क्यों लगता है। दरअसल दोस्तों देखिए, किसी भी रॉकेट को या किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों जिस रॉकेट के माध्यम से उस सैटेलाइट को भेजा जाता है उसमें गति बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त ईंधन बहुत ज्यादा खर्च होता है और बहुत स्पीड से होता है, मतलब एक हवा की स्पीड आप कह सकते हैं, अनुमानित स्पीड जितना हम पृथ्वी पर चल भी नहीं सकते हैं या किसी भी साधन से नहीं जा सकते हैं। हम पृथ्वी पर कितने स्पीड से अधिकतम चल सकते हैं? अधिकतम 300, वो भी बहुत फास्ट। लेकिन दोस्तों, एक रॉकेट की जो स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा होती है, और इसी स्पीड से किसी भी सेटेलाइट को अंतरिक्ष के पास भेजा जाता है जहां उसको स्थापित करनी है। तो दोस्तों, इसरो की तरफ से ये जानकारी मिली है कि जो हमारा आदित्य L1 है, जो सेटेलाइट है जो सूर्य के करीब पहुंचेगा, उसको एक बिंदु पार करने में लगभग 124 से 126 दिनों का वक्त जो है वो लगने वाला है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आदित्य L1, चंद्रयान 3 और तमाम जो हमारे विक्रम लैंडर हैं उन तमाम से हम आपके लिए वीडियोज जो है वो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। किसी तरह का कॉमेंट सुझाव आपका हो तो हमें जरूर कॉमेंट में लिखिए। दोस्तों, सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की मजेदार अंतरिक्ष दुनिया की वीडियो जो है वो लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट भी मिल रहा है, शुरुआती समय में सब्सक्राइब आप कर रहे थे, लेकिन अभी जो व्यक्ति नए हैं दोस्तों कम से कम क्लिक करके या वीडियो को देख करके मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको ज्यादा कुछ जगह लगेगा नहीं सब्सक्राइब में, ना तो आपके पैसे खर्च होते हैं या कुछ होता है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो हम आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। जो लेटेस्ट जानकारी आपको चाहिए होगी वो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक हैं जो अब तक हम लोगों ने बनाए हैं, जो ट्रेंडिंग है उसको आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही डालिएगा आपको वहां से देखने को मिल सकता है। तो चलिए, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूंगा। फिलहाल ये खबर कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और आदित्य L1 और खास करके चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आज है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस के उन तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद
क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षक का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों। शिक्षक के बदौलत ही हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, आज आपसे बोल रहे हैं, आज आपके सामने एक अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर शिक्षक नहीं होता तो दोस्तों हम शब्दों को नहीं समझ पाते, हम बात करना नहीं सीख पाते। माँ बाप तो जन्म देते हैं लेकिन शिक्षक जो है दोस्तों वो आगे का रास्ता दिखाते हैं, आगे की दुनिया को दिखाते हैं दोस्तों। आज शिक्षा के कारण ही मैं आपके सामने हूं, एक अच्छे शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो आपके जो भी शिक्षक हैं आप उनको जरूर शुभकामनाएं भेजें, उनको आज कम से कम जरूर विश करें, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।